ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव में हम सभी के सबसे प्रिय भगवान शिव अपने भक्तों के द्वारा की गई पूजा अर्चना से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। स्वभाव से भोले भगवान भोलेनाथ के 11 रुद्र अवतार हैं, जिनके बारे में धर्म शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। इनमें से एक अवतार हनुमान जी का है। वैसे तो शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतार का वर्णन किया गया है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इस विषय में जानकारी है। आज हम आपको बताएंगे कि वो क्या वजह थी जिसके कारण भगवान शिव को हनुमान जी का अवतार लेना पड़ा। भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था, इस बात को कई जगह पढ़ा और सुना जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इस बात को जानने के लिए हमें इससे जुड़ी कथा के बारे में जानना होगा। ये कहानी रामायण के प्रारंभ की है, जब पृथ्वी पर भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। वास्तव में शिव का अवतार हनुमान ही थे, और ये भी सत्य है कि भगवान राम ही शिव के हनुमान अवतार का कारण बने थे। रामायण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाएं। उस समय भगवान राम की आयु लगभग 5 वर्ष के आसपास रही होगी। भगवान शिव के सामने समस्या ये थी कि वे अपने असली रूप में नहीं जा सकते थे। ऐसे में एक दिन शिव ने माता पार्वती से कहा, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और उनके दर्शन और सेवा का मन हुआ है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊं और जिस लोक में राम है वहीं मैं भी रहूं। ये सुनकर माँ पार्वती विचलित हो गई और दुखी होकर बोली कि हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी आप यदि जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रहूंगी। पार्वती माँ की बात सुनकर भगवान शिव को एहसास हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती हैं, और अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित ही पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देगी। ऐसे में भगवान शिव मोह के एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती जी के पास भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना था। तब भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता पार्वती को बताया और बोले, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक रूप वानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज एक रूप वानर होगा, जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वे जानते थे कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। भगवान शिव को ये भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊंगा और न ही राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर किया करेगा। इसलिए आज भी भक्त लोग हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं। इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। दी गई जानकारी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर है, हम इसके सही या गलत होने का दावा नहीं करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।